गाइस हम सभी काफी एक्साइटेड है पोको F2 स्मार्टफोन को लेके, क्योंकि पोको इंडिया की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि पोको F1 का सक्सेसर पोको F2 स्मार्टफोन को बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। एंड काफी सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए पोको F1 की तरह ही पोको F2 स्मार्टफोन बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन के अंदर काफी सारे फ्लैगशिप फीचर्स फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आने वाला है ये स्मार्टफोन। एंड पोको F2 को लेके हम सभी के जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो सभी फुलफिल करने वाला है पोको F2 स्मार्टफोन के अंदर। एंड ये स्मार्टफोन 5G नेटवर्क के साथ आएगा, यानी कि एक स्मार्टफोन 5G डिवाइस होने वाला है। एंड साथ ही साथ इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी कुछ खास फीचर्स मिलेगा। सो मैं इस वीडियो में बताऊंगा पोको F2 स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, स्मार्टफोन में क्या कुछ खास फीचर्स मिलने वाला है, एंड कब तक एंड कितने प्राइस के अंदर इस स्मार्टफोन को इंडिया मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो बने रही, सारा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। इनफैक्ट यहाँ पे आप फोन ही देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो Redmi K30 Pro जो कि है Poco F2। तो यहाँ पे यही सेम डिवाइस आपको देखने को मिलने वाला है Poco F2 के नाम से। यहाँ पे चार कैमरास होंगे पीछे के साइड में, जो कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ग्लास वाली बैक जिसमें कि ग्लॉसी ग्रेनी का फिनिशिंग मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे बात करते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक फुल व्यू डिस्प्ले, साथ में आपको पॉप आउट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात करें फोन की डिस्प्ले साइज की, तो 6.6 इंच का डिस्प्ले है और फुल HD प्लस सुपर एमोलेड का पैनल है। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 87.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, मतलब कि बेजलनेस एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा फास्ट है। यहाँ पे अगर बात करेंगे फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको पता है नो डाउट कि आपको स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पोको F2 जो इंडिया में आएगा गाइस, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। देखते हैं जब आता है तो क्या कुछ आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलती है, लेकिन अभी के लिए स्नैपड्रैगन 865 आपको देखने को मिलेगा। साथ में MIUI 11 के साथ में पोको लॉन्चर के यहाँ पे देखने को मिलेगा मिक्स्ड वर्जन, साथ में मिलेगा आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट। अगर बात करेंगे यहाँ पे फोन के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा होगा, और 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको एक और लास्ट चौथा कैमरा देखने को मिल जाएगा। सेल्फी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि छुपा होगा पॉप आउट सेल्फी कैमरा के अंदर ही, जिसकी क्वालिटी और कैमरा का ओवरऑल क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर बात करेंगे लास्टली फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि 4700 mAh की बैटरी दी गई है। साथ में यहाँ पे चार्जिंग स्पीड जो है यहाँ पे 33 वाट का ही आपको देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 9 Pro Max में भी दिया गया है। तो चार्जिंग स्पीड सेम आपको देखने को मिलेगा, आप अंदाजा लगा सकते हो Redmi Note 9 Pro Max से। यहाँ पे ये सारा कुछ था इसका फुल स्पेसिफिकेशन एंड कंफर्म स्पेसिफिकेशन, और मैंने आपको एक हैंड्स ऑन फोटो भी यहाँ पे वीडियो भी दिखा दिया है। पसंद आया हो तो लाइक करना, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ ही प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो ऐसा बताया जा रहा है ये इंडिया में आने वाला चीपेस्ट स्मार्टफोन होगा, जो कि स्नैपड्रैगन 865 के ऊपर होगा। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ इसका जो प्राइस होने वाला 31,000 के नीचे या फिर अंडर में आपको देखने को मिल सकता है, आसपास ही इसका प्राइस होने वाला है। रही बात लॉन्च डेट के बारे में, तो अभी गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे चर्चा चल रहा है इसके बारे में, लेकिन COVID-19 के चलते इसका जो लॉन्च डेट है वो थोड़ा डिले हो सकता है। देखते हैं जब नया न्यूज निकल कर आएगा, यहाँ पे कंफर्मेशन आएगी, तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आपको क्या करना, लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोज में आप सभी के लिए रेगुलरली अपलोड कर देता हूँ, और आपको टेक कम्युनिटी से ऐसी न्यूज आपको दे देकर अपडेट करते रहता हूँ। तो यहाँ पे मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सब के लिए टेक केयर।